7:30 शाम होते होते आवाज भारी हो जाती ना, मेरी अभी गजल वाली आवाज हो गई है। कोई खुशबू आपकी तौलिए के बाद बहुत फेमस हो गई है। ये लाइट कम कर दीजिए, चलिए कुछ तो फेमस जो आ रही है। अरे लाइट दादा लाइट ये कम कर दीजिए, मुझसे पढ़ाई नहीं आ रहा एक्चुअली, पता नहीं क्यों चेंज किया आज। नहीं नहीं ये हाँ ये वाली थी, हाँ बाकी चला दो बस, ये जो ऑन किया आपने बड़ी वाली ना, ये वाली हाँ, ये आंखों में पड़ती बस। हाँ हाँ ओके कमल जी अभी हाँ अभी ठीक है। अरे तो हम क्या करें, हम घर जाएं? अभी ठीक नहीं, अगेन दैट लाइट इज बैक कपिल, ये वाली फिर आ गई। बुढ़ापा आ रहा है तो थोड़ा तेरी नजर कमजोर हो रही है कपिल। यार नजर कमजोर अब बिना लाइट के पढ़ रहा हूँ, इनकी तरह मारी जा रहा है, एक बार लाइट इनको पता चले बुढ़ापा जवानी क्या होता है। मुझे भी तो जा रहा है, आपके आपके ऊपर नहीं ना आ रही लाइट, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ मैं इधर जाके पढ़ता हूँ। अलका चेक कर रही है, है क्या अलका, बोल नहीं पढ़ा तो जा रहा है। यस अब बंद हो गई, अब बंद हो गई, पहले चालू थी अभी तो मैं भी पढ़ रहा हूँ। देखो अच्छी खासी साफ एकदम देखा, अब नहीं अलका जी अभी इसके ऊपर लाइट था एक, ये देखिए ये वाला तो भी अलका बिल्कुल आंखें खराब हो गई कपिल, आंखें तो उदित जी की खराब हुई आपको देख के। हाँ जी चलो, ये अलका जी के साथ आपका कोइंसिडेंस है कि मैचिंग करके आए आप? देखिए क्या है आपको नहीं बोलेगा अभी, मुझे तो पता नहीं था लेकिन सिमिलर है कलर, मतलब ऐसे कहाँ से सिमिलर है नहीं है वैसे, मैं भी गलती लगी थी। मैं बैठने से पहले चाहूंगा आनंद मिलन जी के लिए जोरदार ताली हो जाए और साथ में मेरी प्यारी अलका जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। ऊपर वाले ने और हमारे आनंद मिलन जी ने अलका जी से मिला ही दिया आखिर। तो आपका मकसद यहाँ के गाना गाना था या अलका जी से मिलना था? आपको मेरी फिक्र रहती इसलिए बोल रहा हूँ। अलका उदित बोलते ना कि अलका के दिमाग में हम मतलब उदित समझ, अभी मुझे लगता उल्टा है। हाँ। उदित तुम्हारे दिमाग में अलका घूमती रहती है सारे टाइम। अच्छा अब तो आप सामने बैठी हैं, पिछले एपिसोड में आप थी भी नहीं फिर भी इतना बार आपका जिक्र हुआ, बात सही बोली अर्चना जी ने, आपके दिमाग हाँ। में अलका जी हैं। आपकी बात मान लेता हूँ हाँ। लेकिन हमारी जो दोस्ती है हाँ। सिर्फ सिंगिंग की है हाँ, बाकी तो किसी ने कुछ और समझा कुछ बोला भी नहीं हाँ? किसी ने कुछ बोला? सब लोग को पता है कि सिंगिंग की है वही होना चाहिए। ये सब जो फालतू अच्छा। चीजें हैं वो तो कट जाएंगे, आप चिंता मत करो। अलका जी एक बात बताइए, आप लोग 30 साल से एक दूसरे को जानते हैं, 35 साल से, तो आपने तो लाखों बातें सुनी होंगी उदित जी की, ऐसी ऐसी जो इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। ही मत, मैं तो अभी इसकी शुरुआत ही मत करिए, बिल्कुल अभी तो सुधर गए हैं, आज तो सुधरे हुए लग रहे हैं। आज इनका सुधरा हुआ रूप दिख रहा है। ये क्यों सुधरे हुए? अगल बगल शरीफ लोग बैठे हैं, बहुत शरीफ बैठे हैं ये आनंद मिलन, बहुत शरीफ हैं, अदरवाइज तो पता नहीं, अभी छोड़ो। अब बताता हूँ, आज पूरे फिल्म इंडस्ट्री में और वर्ल्ड की बात करें तो मुझे लगता है कि लोग बोलते हैं उदित नारायण इज ए नाइस पर्सन, यार ऑफ कोर्स आप ही एक हो जो मुझे बदनाम कर रहे हो। मैंने ये भी हमेशा बोलती हूँ इज ए नाइस पर्सन, तो मैं भी बोलती हूँ नाइस पर्सन और नॉटी पर्सन में फर्क होता है। अब आपको बताता हूँ, बड़ा मजा आएगा आपको। मैं अभी हमारा भी सब कुछ अच्छा तो है नहीं, कहीं मैं भी गलती करता हूँ हाँ। तो चीज बताने की कोई जरूरत नहीं है हाँ। ये सब मजाक है यार, कटवा देता है। ये रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं, ये कटेगा नहीं नहीं ये आज ऐसा ना पूरा कट जाए। अरे नहीं आप लोग नहीं कटोगे, लेकिन मेरा जो गड़बड़ मामला सर है उसको काट देंगे। उदित आप हम सबके दिलों में रहते हैं बस। क्या बात है, थैंक यू सो मच। आप बड़े प्यारे हो उदित जी, आप किससे इतने मजेदार तरीके से सुनाते हो ना, पहले तो खुद ही आप अंदर से इतना मजा लेते हो ना, उसके बाद बाहर निकालते हो फिर और मजा आता है।
क्या है? आप अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स डालते हैं और नीचे अच्छा, हमारी क्रिएटिव जनता अच्छा, जो है अच्छा, कमेंट्स करती comments. है okay, okay. ये किताब सिर्फ फोटो खिंचाने तक ही हाथ में है, उसके बाद सीधा नूडल खाएंगी. किसी ने लिखा लगता है योगा सिखाने वाली टाइम पे आ गई, इसलिए स्माइल कर रहे हैं. कहाँ की तस्वीर है ये? अमेरिका. अच्छा, वो अलका जी के शो में गया था. हर चीज अलका जी से कनेक्टेड क्यों है आपकी लाइफ में? ये सच बात है. कौन से शो में गए थे आप? 2014 में गए थे ना. हे भगवान, 2014? नहीं नहीं, आई एम वेरी सॉरी, ये रहमान जी के साथ गया था. मुझे अभी याद आया. मैंने तो सुना जब ये क़यामत से क़यामत तक सर आपको आपको ढूंढ रहे थे, तो आप नेपाल में एक फिल्म के लिए एज ए हीरो काम कर रहे थे, तो क्या? अरे वो तो नहीं, वो तो बात की बात है, ये नहीं बताएंगे वो. बताइए बताइए सर, क्या है? हम लोग क़यामत से क़यामत के सारे गाने रिकॉर्ड कर लिए, बैकग्राउंड स्कोर रिकॉर्ड किए. अच्छा जी. और इनसे गवाए थे एक वो जो सैड वर्जन था, पापा कहते थे बड़ा जो क्लाइमैक्स में था ना, तो बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहे थे सारे वायलिनिस्ट और सब हैं, और इन्होंने एक रफ वर्जन, अच्छा ही वर्जन गाया था, पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा, लेकिन हम लोग को डब करना था कि इसको ऑर्केस्ट्रा के साथ दोबारा गवाया जाए. जी. तो सब लोग उदित नारायण को ढूंढना शुरू किए. उदित नारायण है ही नहीं कहीं भी. उस वक्त ये मोबाइल वोबाइल नहीं था. अच्छा जी. अच्छा, फोन ढूंढने के बाद पता चला कि कोई नेपाली फिल्म थी कुसुमे रुमाल, जो सुपर हिट हुई. अच्छा जी. उसकी शूटिंग पहाड़ों में कर रहे थे. वाह. एंड ही वॉज नॉट ट्रेसेबल. तो आनंद और हम डर के मंसूर से, नासिर साहब से पूछे क्या करें. तो बोले अब उदित नारायण नहीं मिल रहा है, तो अभिजीत को बुला लो, गा लेगा. अच्छा जी. तो नासिर साहब बोले अगर अभिजीत गाएगा, पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा, तो ऑल द सॉन्ग्स विल बी संग बाय अभिजीत. तो हम लोग घबरा गए. अच्छा जी. कि ये तो मतलब उदित का पत्ता कट जाएगा. तो मैंने मंसूर को बोला, आनंद ने बोला कि सिंस आमिर डाइज इन द फिल्म और ये पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा, इट कैन बी अ डिफरेंट वॉइस, सो लेट अस कॉल अभिजीत. गाने उदित के रखेंगे. अलका जी की आवाज़ भी क़यामत से कम नहीं है, जोरदार तालियां इस बात के लिए. कभी आपके लैंडलाइन पे फोन आता तो लोग पहचान जाते कि अलका जी बोल रहे हैं, कि आपको बोलते हैं अरे अलका जी को बुलाइए, क्योंकि पता नहीं चलता ना कि घर में किसी बच्चे ने छोटे ने. हाय हाय हाय, इतना भी नहीं. अब मैं तो आवाज़ एक्चुअली फ़ोन जब आता है तो मैं तो आवाज़ बना के बात करती हूँ. कैसे? हेलो. Yes. Who do you want to speak to? पता नहीं कौन किसका फोन हो. हाँ. तो बोले अगर कोई बोलते कि मैं ये बोलूँ. हाँ 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 हाँ, बोल 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 बोल. मैं और ये उदय जी का तो कमाल ही है. क्यों ये हेलो? आप सोच लीजिए कि अलका याग्निक जी के रग रग में उदित बैठा हुआ है. Oh my God.